बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने एक्शन थ्योरीज का पार्ट टू, जिसके अंदर हमने अपडेटेड थ्योरी को क्रिएट करना सीखा था, यानी एक टेबल में मौजूद रिकॉर्ड को आप थ्योरी के थ्रू किस तरह से अपडेट कर सकते हैं, इसकी डिटेल्स आपसे शेयर की थी। आज के लेक्चर में हम थर्ड टाइप ऑफ एक्शन थ्योरी, जिसका नाम है डिलीट थ्योरी, जिसके जरिए आप एक टेबल में मौजूद मल्टीपल रिकॉर्ड्स को या एक किसी रिकॉर्ड को किस तरह से डिलीट कर सकते हैं क्यूरी के थ्रू, इसके प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन से आपको आगाह करेंगे। दोस्तों, ये आपके सामने एक टेबल मौजूद है और मैं ये चाहती हूँ कि अब जब ये टेबल डिस्प्ले हो तो इसके अंदर ये सेवंथ रिकॉर्ड डिलीट हुआ हुआ हो, यानी अब डिस्प्ले टेबल के अंदर एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जॉब टाइटल, एड्रेस, सिटी, सैलरी सिर्फ और सिर्फ 1 से लेकर 6 तक के एम्प्लॉयज का ही शो हो। तो इसके लिए दोस्तों आप एक क्यूरी को क्रिएट करेंगे, आप इस क्रिएट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, क्यूरीज के ग्रुप के अंदर आप क्यूरी डिजाइन पर क्लिक करेंगे, इसके बाद आप इस एम्प्लॉय के टेबल को सिलेक्ट करेंगे, ऐड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और इस विंडो को क्लोज कर देंगे। अब क्योंकि दोस्तों आप एक इस एम्प्लॉय के टेबल में कौन कौन से फील्ड्स को शो करना चाहते हैं, तो मैं एम्प्लॉय आईडी को शो करना चाहती हूँ, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, तो जिन जिन फील्ड्स को आप शो करवाना चाहते हैं आप उन पर डबल क्लिक करके उनको ऐड करवा जाएंगे। ऐड करवाने के बाद दोस्तों, क्योंकि मैं 1 से लेकर 6 तक के रिकॉर्ड्स को ऐड शो करवाना चाहती हूँ और 7th रिकॉर्ड को डिलीट करवाना चाहती हूँ, इसके लिए दोस्तों आप इस डिलीट की क्यूरी पर क्लिक करेंगे। अब ये आपसे पूछ रहा है, जैसे आपने डिलीट की क्यूरी पर क्लिक किया तो आप गौर करें कि यहाँ पर एक ऑप्शन आ गया है डिलीट का, कि भाई आप कहाँ से डाटा को डिलीट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको वो क्राइटेरिया भी देना होगा। तो दोस्तों मैं यहाँ पर जो एम्प्लॉय आईडी 7 है इसको डिलीट करना चाहती हूँ, तो मैंने क्राइटेरिया के आगे लिख दिया है 7। याद रखिए दोस्तों, जब आप किसी टेक्स्ट को क्राइटेरिया में लिखेंगे तो वो आप डबल कोटेशन में लिखेंगे, लेकिन जब आप किसी नंबर को लिखेंगे क्राइटेरिया में तो उसके लिए आपको डबल कोटेशन मार्क्स को अप्लाई करना जरूरी नहीं है, आप इसको बगैर कोटेशन के लिखेंगे। तो मैंने यहाँ पर 7th लिख दिया है। 7 लिखने के बाद आप इस क्यूरी को रन करवा देंगे। जैसे आप रन करवाएंगे तो यहाँ पर आपको एक मैसेज शो होगा, यू आर अबाउट टू डिलीट 1 रो फ्रॉम द स्पेसिफाइड टेबल, यानी ये जो पूरा टेबल है एम्प्लॉय का, इसमें से एक रो जो है वो डिलीट हो जाएगी और हम जानते हैं वो कौन सी रो होगी, तो 7th रो होगी। आप यस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब दोस्तों हम आइए दोबारा से इस एम्प्लॉय के टेबल में देखते हैं कि क्या ये क्यूरी उस टेबल पर अप्लाई हुई है अभी या नहीं। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ से ये 7th रिकॉर्ड जो है वो डिलीट हो चुका है। तो दोस्तों आप ना सिर्फ एक पूरे रिकॉर्ड को डिलीट कर सकते हैं बल्कि आप एक स्पेसिफिक जो है वो किसी आइटम को भी डिलीट कर सकते हैं। किस तरह से? जैसे दोस्तों मिसाल के तौर पर मैं ये चाहती हूँ कि जो एम्प्लॉयज जिनका सिटी कराची है वो डिलीट हो जाए और जिनकी सैलरी जो है वो 45,000 है वो डिलीट हो जाए। तो इसके लिए आप मल्टीपल क्राइटेरियाज भी दे सकते हैं या फिर आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि एक से ज्यादा सिटीज भी आप दे सकते हैं। तो दोस्तों आप क्या करेंगे, आप क्रिएट के टैब पर क्लिक करेंगे, क्यूरी डिजाइन पर क्लिक करेंगे, टेबल को ऐड करवाएंगे और इस विंडो को क्लोज कर देंगे। दोस्तों आप इन तमाम फील्ड्स को ऐड करवाएंगे जिनको आप डिस्प्ले करवाना चाहते हैं और यहाँ पर आप अब डिलीट पर क्लिक करेंगे। जैसे आप डिलीट पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक ऑप्शन आ जाएगा कि भाई आपको कहाँ से डिलीट करवाना है। दोस्तों मैं यहाँ पर उस सिटी के एम्प्लॉयज को डिलीट करवाना चाहती हूँ जिनका सिटी है कराची और साथ के साथ एक और सिटी, यानी मैं मल्टीपल क्राइटेरियाज भी दे सकती हूँ यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगी और के आगे कि जिनका सिटी है लाहौर। याद रखिए दोस्तों, जैसा एग्जैक्टली आपने टेबल में रिकॉर्ड लिखा है आपको वही स्पेलिंग यहाँ लिखनी होगी एज इट इज, तभी आपका रिकॉर्ड जो है वो डिलीट हो सकता है। इसके बाद दोस्तों आप इस क्यूरी को रन करेंगे और अभी आपको बता रहा है कि यू आर अबाउट टू डिलीट 3 रॉस, यानी ये जो कराची है ये 2 रिकॉर्ड्स में आया है और लाहौर 1 रिकॉर्ड में आया है, विच मीन्स कि अब हमारी 3 रिकॉर्ड जो है वो डिलीट हो जाएंगे। मैं यस पर क्लिक करूंगी, दोबारा से एम्प्लॉय के टेबल पर देखूंगी तो आप देख सकते हैं कि ये 3 रिकॉर्ड्स डिलीट हो चुके हैं। इस तरह से दोस्तों डिलीट की क्यूरी काम करती है। दोस्तों यहाँ पर हमारे लेक्चर का इख्तिताम हुआ, इसमें हमने एक्शन क्यूरीज के अंदर किसी भी टेबल में से रिकॉर्ड्स को डिलीट करना सीखा। अगले लेक्चर में हम एक्शन क्यूरीज की लास्ट टाइप मेक अ टेबल क्यूरी की डिटेल आपसे शेयर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।